So good morning all of you. Today we will discuss topic lines and angles. Calculate the value of x in this figure. इस टाइप का फिगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे सकता है. तो इन ट्रायंगल एबीसी बीसी इज प्रोड्यूस टू डी और सी ए प्रोड्यूस टू ई. एक्सटीरियर एंगल एच बी ए ई 110 डिग्री अगेन अदर एक्सटीरियर एंगल ए सी डी 120 डिग्री. फाइंड द एंगल ऑफ बी विच इज एक्स. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. यहां पर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. इसका वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. तो यहां x का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप इन ट्रायंगल ए बी सी पे आ जाओ. तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां पर ना आपको ए मालूम है ना आपको सी मालूम है ना आपको बी मालूम है. तो फ्रॉम लिनियर पेयर से आप ये एंगल को निकाल लो. इसका नाम हम एंगल वन कर देते हैं. This angle is angle 2 और this angle is x. तो linear pair से angle 1 find कर लिए. तो angle 1 plus 110 degree angle 1 plus 110 degree is equal to 180 degree from linear pair. और सेकेंड एंगल टू इससे आप एंगल वन फाइंड कर लें. 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री. दिस एंगल इज 70 डिग्री. एंगल टू प्लस 120 अगेन एंगल टू प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. आज सेम रीजन फ्रॉम लिनियर पेयर से. एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस एंगल विल बी 60 डिग्री. अब दो एंगल अगर फाइंड है तब हम निकाल सकते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल बी इक्वल टू एंगल ए 70 डिग्री. एंगल बी एक्स डिग्री एंड एंगल सी 60 डिग्री. तीनों का सम 180 डिग्री. इन दिस इक्वेशन फाइंड एक्स 70 प्लस 60 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. तो एक्स इज इक्वल टू
180 minus 130 x is equal to 50 degree. यही x का वैल्यू फाइंड करना क्लियर. इसका अल्टरनेट मेथड से भी फाइंड कर सकते हो. अगर हमको ये फाइंड नहीं है ये भी फाइंड नहीं है ठीक है. तो लिनियर पेयर से हम 70 निकाल लिए. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. ओके एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस 70 इज इक्वल टू 50 डिग्री. डायरेक्ट आ जाएगा. क्लियर. तो आप इसमें अल्टरनेट मेथड का भी यूज कर सकते हो जो इच्छा. मतलब कोई एक ही प्रोसेस नहीं है. ऐसा है ट्रायंगल और हम देते हैं क्वेश्चन नंबर टू. मे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यहां पर वर्टेक्स ए बी सी डी एंड ई. एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल ए 30 डिग्री. एंगल बी 40 डिग्री. एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. दिस इज द योर क्वेश्चन. इस डायग्राम से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस फिगर. तो दिस एक्स इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ई सी डी. एक्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ई सी डी. यहां पर ये नाम सी है. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस और एंगल ई सी डी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू एक्स. यदि आप ये एंगल फाइंड कर लें तो आपका एक्स भी आसानी से निकल जाएगा. तो आप इसका नाम दे दो एंगल वन. क्या नाम दे दें हम एंगल वन. वन देने से आसानी से हम इसको बना सकते हैं. ठीक है. हम यहां पर दिस इज एंगल इज वन. वन रहेगा तो जो बार बार आप एंगल लिखोगे ई सी डी आप डायरेक्ट लिख देंगे एंगल वन. तो एंगल वन इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए सी बी का. ए सी बी का दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए सी बी का. अभी हम इधर नहीं जा रहे हैं केवल एक्सटीरियर एंगल पर जा रहे हैं. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. एंगल वन इज इक्वल टू 30 प्लस 40 डिग्री. 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री यानी एंगल वन इज इक्वल टू 70 डिग्री. आप यहां रीजन लिख दो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अब एंगल वन निकाल दिया 70 डिग्री. ए
ई डी लिखो या एंगल एच लिखो जो फाइंड करना है. क्लियर? एंगल एच इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ई सी डी का, ए सी डी का. क्या सेकेंड जो ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल है इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल एच इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ई सी डी का. एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 100 एंगल 1 यानी 70 डिग्री. एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 70, एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री. यहाँ पर रीजन लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. क्लियर? दिस इज योर आंसर. ये भी एक अच्छा एंगल निकालने के लिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल का हम एंगल फाइंड करने के लिए दे रहे हैं. ठीक है? नाउ अगेन थर्ड फिगर हम ड्रो कर रहे हैं बोर्ड पर, और यहां पर भी आपको एक्स ही फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 3, लाइन एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, प्रोड्यूस इट दिस ये प्रोड्यूस किया गया डी टन एंड बी सी प्रोड्यूस टू डी, सी ए प्रोड्यूस टू ई एंड बी ए प्रोड्यूस टू एफ. बी सी प्रोड्यूस टू डी, बी ए प्रोड्यूस टू एफ एंड सी ए प्रोड्यूस टू ई. दिस एंगल इज 60 डिग्री. ओके? एंड दिस एंगल इज 115 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x कहां है? एंगल b इज इक्वल टू x डिग्री. से x का वैल्यू फाइंड करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके? कैसे हम इसको फाइंड करेंगे कोई बताओगे? तो आप जानते हो ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का. ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल एच. तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे. यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन है ए पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका नाम पहले 1 दे दो. क्लियर? सॉल्यूशन में एंगल 1
इसकल तो 60 डिग्री, ये 60 क्यों हुआ, आप इसका रीजन लिखना होगा, तो बताएगा, ये दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, व्हाई, गिव रीजन, कोई रीजन बताओगे, एंगल 1 इज 60 डिग्री, गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री राइट रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल कलेज अपोजिट एंगल्स ओके यहां 60 लिख दिए ऑल्सो ए सी डी एंगल ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी अने एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ए सी डी इज इक्वल टू 115 डिग्री एंगल ए एवं फाइन 60 डिग्री एंड एंगल बी एच डिग्री नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन इस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है 60 को इधर ले आइए 115 माइनस 60 यानी एक्स इज इक्वल टू 115 माइनस 60 यानी एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री इट इज क्लियर एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री ये क्वेश्चन नंबर 3 था किसी को प्रॉब्लम इसमें बोलो यू हैव एनी प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़े चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन ओके AD is the transversal line. This line is AD. AD is the transversal line. Meet CE. इसको CE से join कर दिए. Meet in CE. ये arrow दिया हुआ है parallel line का. AB given. AB parallel to CD. दिस एंगल इज एक्स यही एक्स का वैल्यू फाइंड करना है मीन्स डी ई सी क्या होगा व्हाट ओनली ई सी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है 45
5 डिग्री, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको फाइंड करना है, ये फिगर है, तो ओनली ए बी पैरेलल टू सी डी, इस एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए और एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे? कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, बताओगे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कोई बताओगे? हैं? एक्स का वैल्यू क्या होगा? चलिए देख लीजिए, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसमें यहां पर एक एंगल और दिया हुआ है, एक छूट गया, जिस एंगल इज 60 डिग्री, ये छूटा हुआ था। गिवन में एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सॉल्यूशन में ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन सेवेंटी फाइव, ठीक है, करेक्ट आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। अब इसको प्रोसेस थोड़ा हम बता देते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी इज ट्रांसवर्सल लाइन दिस एंगल एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, रीजन रीजन क्या होगा? इंटीरियर एंगल। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हम रीजन यही लिखेंगे शॉर्ट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। नाउ इंट एंगल ई सी डी में या सी डी ई में, अगर दो एंगल फाइंड है, थर्ड फाइंड होगा, रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रेंगल, तो इन ट्रेंगल सी डी ई में एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल, एंगल सी 45 डिग्री, एंगल डी 60 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एक्स डिग्री 180, यानी एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस, इस दोनों का सम करो 105 डिग्री, यानी एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री, 180 माइनस 105 इक्वल टू 75 डिग्री, इट इज क्लियर? किसी को इसमें प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम भी है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिगर नंबर 5 में।
यहाँ पर भी हमको प्रूव करना है, एक प्रूव ही दे रहे हैं क्वेश्चन कि प्रूव दैट द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. फर्स्ट ड्रॉ ए फिगर ऑफ पैरेललोग्राम. अगर आप एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बना लेते हो तो आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं. तो फर्स्ट आप ड्रॉ कर दें एक पैरेललोग्राम, ड्रॉ कर दिए जिसका नाम है ए बी सी डी. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. फर्स्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. सेकेंड प्रूव करना है एंगल बी दिस एंगल इक्वल टू एंगल डी. एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. अब आइए प्रूफ में. प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम का है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर, यहाँ इक्वल की जरूरत नहीं है, पैरेलल की जरूरत है. आर पैरेलल कर दो, इसलिए इसको वन एरो देने से यानी ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू डी सी इट इज गिवन. तो इफ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल है और ए डी इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ए डी इज ए ट्रांसवर्सल तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा. बट If AB parallel to DC, AD is the transversal, so this angle plus this angle is equal to 180 degree. Sum of same side of interior angle. Yani, आप लिख सकते हो angle A प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका आप थ्योरम प्रूफ किए याद है. थ्योरम दो लाइन पैरेलल दो करके सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री हम लोग प्रूफ किए हैं. तो सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसको बना दो इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन
one. अब आपका आना है A और B में. AD is also parallel to BC. AB parallel to BC. AB parallel to BC. और AB is transversal line. AB is a transversal line. अगर दो लाइन पैरेलल हो और दिस इज ट्रांसवर्सल तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ भी सेम रीजन सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. दिस इज इक्वेशन टू. नाउ compare equation 1 and 2. This equation is equal to 180 degree. Also second equation is equal to 180 degree. So from equation 1 and 2, अगर RHS equal है, तो LHS भी equal होगा. अने आप लिख सकते हो angle A plus angle B is equal to एंगल ए प्लस एंगल डी. ए और ए कैंसिल. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. हमको यही प्रूव करना था. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. इट इज क्लियर. बोलो किसी को प्रॉब्लम इसमें. चलो थैंक यू. पहले इसको आप नोट कर लें.